हेलो हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज हम डिफेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर पावर सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी है। न्यूक्लियर सबमरीन आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है आपके पास INS सिंधु घोष, INS कालवेरी, INS करसुरा और चक्र, INS चक्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा, इनमें से न्यूक्लियर पावर सबमरीन है हमारी INS चक्र। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ INS चक्र की। वैसे सभी सबमरीन जो है वो एक जैसी ही दिखती है, इस तरह से होती है सबमरीन पनडुब्बी। ये पानी के नीचे जो है मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है सिम्बेक्स एक्सरसाइज के बारे में। सिम्बेक्स इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया। इंडिया और किस किस कंट्री के बीच में होती है ये? ये है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। यहाँ पे सिम्बेक्स की फुल फॉर्म है सिंगापुर एंड इंडिया, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम मीन सी में जो होते हैं, मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। बायलेटरल क्या है? जो दो कंट्री के बीच में होती है, बायलेटरल एक्सरसाइज। ये कब स्टार्ट हुई थी सिम्बेक्स एक्सरसाइज? ये एनुअली होती है 1994 से। 1994 में स्टार्ट हुई थी, सिंस 1994, और एनुअली होती है, हर साल होती है। मैंने कहा था ये मेन क्वेश्चन बनते हैं, कब से स्टार्ट हुई, कौन सा एडिशन है, एनुअली होती है, बायनियल होती है, एनुअल होती है, किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो एनुअली होती है, हर साल में एक बार होती है, और 1994 से ये होती आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर टू एज ब्लू हेलमेट। निम्नलिखित में से किन्हें ब्लू हेलमेट माना जाता है? यूएस सोल्जर्स को, यूएन पीसकीपिंग सोल्जर्स, इजरायली सोल्जर्स या फिर न्यूयॉर्क पुलिस पर्सनल। इसका सही आंसर है यूएन पीसकीपिंग सोल्जर्स को। और ऐसा क्यों है, इनको ब्लू हेलमेट ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ब्लू कलर का जो है हेड गियर पहना होता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है इसके ऊपर, यूएन पीसकीपिंग फोर्स, और ये ब्लू कलर का हेड गियर इन्होंने पहना होता है, इसीलिए इन्हें ब्लू हेलमेट बोला जाता है। इसका काम क्या होता है जो यूएन पीसकीपिंग होती है, जल्दी से बताइए। वैसे आप नाम से ही समझ गए होंगे, जिस जगह पे कुछ थ्रेट होता है उस थ्रेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट उस एरिया में प्रोवाइड किया जाता है यूएन पीसकीपिंग फोर्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड आर लोकेटेड इन। सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। जी ये है शिमला में। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। शिमला कहाँ आता है? हिमाचल में आता है। वेरी गुड, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडिया आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5th of January, 4th of December, 15th September और 15th of January। डी इसका सही आंसर होगा, ये 15th of January को मनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्या सिग्निफिकेंस थी 15th of January की, जल्दी से बताइए। ये जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे फील्ड मार्शल जिनका नाम था करीपा, उन्होंने जो है वो कमांडर इन चीफ की पोजीशन जो थी वो ली थी, कमांडर इन चीफ। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे। और किससे लिया था इन्होंने पोजीशन? ये पोजीशन इन्होंने ली थी, उनका नाम था फ्रांसिस बचर। ये लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ लास्ट। ओके, ये सिग्निफिकेंस है। 15th of January को उन्होंने पोजीशन जो है ली थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी बन सकता है। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कमांडर इन चीफ की पोजीशन ली थी वो कैरिपा थे, और ब्रिटिश लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बचर। ओके, तो डी इज द राइट आंसर।
और दो क्वेश्चन और हमने यहाँ से बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आयरन फीट फिस्ट इज रिलेटेड टू, आयरन फिस्ट अभ्यास किससे संबंधित है? ये आर्मी से संबंधित है, नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से या फिर कोस्ट गार्ड से? जल्दी से बताइए 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये एयरफोर्स से संबंधित है, इंडियन एयरफोर्स। क्या होता है इस एक्सरसाइज में, आयरन फिस्ट एक्सरसाइज में, और कब ये हुई थी फर्स्ट टाइम? ये इंडिया की पहली ऐसी एक्सरसाइज थी जो दिन रात होती थी, डे एंड नाइट एक्सरसाइज भी से बोला जाता है, डे नाइट एक्सरसाइज। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सरसाइज की? इसका ऑब्जेक्टिव है डिस्प्ले करना नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटी, जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटी है इंडिया की उसको डिस्प्ले करता है, नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। With which country does India conduct joint military exercise World Kurukshetra? ये मैंने कल आपको mostly सारी bilateral exercise और multilateral exercise करा दी थी, तो जल्दी से बताइए World Kurukshetra India किसके साथ करता है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और जापान। 57 का सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये सिंगापुर के साथ होती है, सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। और अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन हुआ है वो 12th एडिशन है, 12th एडिशन जो 2019 में हुआ है। और सेकेंडली ये अभी अभी कहाँ कंडक्ट हुआ था? ये हुआ था इंडिया के अंदर, इंडिया में है बबीना, बबीना जगह है वहां पे हुआ था, बबीना मिलिट्री स्टेशन के अंदर ये परफॉर्म हुई थी एक्सरसाइज, बबीना मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये इसकी फोटो है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, ये है सिंगापुर का फ्लैग, सिंगापुर, और ये है इंडियन फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड इन, रक्षा सेवा कर्मी कॉलेज कहाँ स्थित है? हाँ जी बताइए, ये है वेलिंगटन में, डी इसका सही आंसर होगा, वेलिंगटन। वेलिंगटन कहाँ आता है, कौन से स्टेट में आता है? आता है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ आती है? वो तमिलनाडु में आती है, तमिलनाडु। ओके, और इसका मेन काम क्या होता है? डीएसएससी जो है हमारा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है डीएसएससी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये तीनों को ही, मतलब ये जॉइंटली तीनों को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मींस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को प्रोवाइड करता है। मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा देती हूँ डीएसएससी की, ये है हमारा DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में है, वेलिंगटन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में है। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, तीनों में प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग, डिफेंस वालों को भी, नेवी वालों को भी और एयरफोर्स वालों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द थर्ड कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज में वो तीसरा कंट्री कौन है इंडिया और यूएस के अलावा जो पार्ट लेता है? ये मैंने कल भी बताया था मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, तो जल्दी से बताइए। जापान, बिल्कुल सही, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पार्ट लेते हैं इंडिया, यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि वो भी पार्ट ले, बट जो इनिशियली मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तब ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी, बायलेटरल इंडिया और यूएस के बीच में। कब स्टार्ट हुई थी ये एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज, कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, और जापान ने कब ज्वाइन किया? 2015 से जापान भी इसमें पार्ट लेता है, 2015 से जापान भी इसका एक परमानेंट मेंबर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अलनागा इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है अलनागा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो जल्दी से बताइए, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया और ओमान। ओमान इसका सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अलनागा एक्सरसाइज होती है इंडिया और ओमान के बीच में। कब से स्टार्ट हुई है ये स्टार्ट हुई थी 2015 से, और जो ये एक्सरसाइज है ये है हमारी बाइनियल एक्सरसाइज, मींस दो साल में एक बार होती है। 2015 में हुई, फिर 17 में हुई, फिर 19 में हुई। जो फर्स्ट टाइम हुई थी वो हुई थी ओमान में, जो सेकंड हुई थी वो हुई थी इंडिया में, और जो थर्ड है वो भी ओमान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंत्रा, यहाँ पे मुंत्रा के बारे में पूछा गया है। मुंत्रा विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस सर्विसेज इज द नेम ऑफ ए और एन, बताइए रक्षा सेवाओं के संदर्भ में मुंत्रा किसका नाम है? एक एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, मिसाइल है, या फिर टैंक है? ये एक टैंक है, मुंत्रा जो है एक टैंक है जिसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, और इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम परफॉर्म करता है ये टैंक, जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। ये जो है सर्विलियंस के लिए होता है, फॉर सर्विलेंस, किस चीज का सर्विलेंस? मिशंस, माइंस, इन सब का सर्विलेंस ऑफ मिशंस, माइंस डिटेक्शन, इस तरह के फंक्शन जो है वो टैंक के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ये देखिए, ये है मुंत्रा टैंक, इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये फर्स्ट अनमैन टैंक है, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट अनमैन टैंक मुंत्रा। यहाँ आपसे पूछा गया है राइफल फैक्ट्री के बारे में। राइफल फैक्ट्री अंडर ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड इज लोकेटेड एट, राइफल फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है? ईशापुर में है, जबलपुर में है, कड़की, या फिर अवधि में है? जल्दी से बताइए, ये आती है हमारे ईशापुर में। ईशापुर कहाँ आता है? ईशापुर आता है हमारा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, बहुत पुरानी है ये भी, वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ गगन शक्ति की बात की गई है। गगन शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय कौन, किसके द्वारा की जाती है? आर्मी के द्वारा, नेवी, एयरफोर्स, या फिर कोस्ट गार्ड? ये आप नाम से ही देख सकते हैं, गगन की बात हुई है। गगन किसे बोलते हैं? आकाश को बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी एयरफोर्स होगी, इंडियन एयरफोर्स। इसका इस तरह से आप कोरिलेट करके करेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स, सी इज द राइट आंसर। 63 का है हमारा सी। और ये कब कंडक्ट किया गया था? गगन शक्ति जो है वो कंडक्ट हुआ था 2018 में, 2018। ये बिगेस्ट, सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, बिगेस्ट एवो, ओके सॉरी, बिगेस्ट एवर वॉर कॉम्बैट एक्सरसाइज। मैं एक फोटो दिखा देती हूँ, ये उस टाइम की फोटो है गगन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है डोर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में। द डोर्नियर एयरक्राफ्ट दैट वाज इंडक्टेड इनटू द ओटर स्क्वाड्रन बिलोंग टू विच कैटेगरी? डोर्नियर विमान जिस ओटर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है वो किस श्रेणी का विमान है? कौन सी श्रेणी से बिलोंग करता है डोर्नियर एयरक्राफ्ट, ये आपको बताना है। जी बिल्कुल, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिलोंग करता है लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट, LUA, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? जल्दी से बताइए, बी इसका सही आंसर है जनरल मुकुंद नरवाने। इन्होंने जो है वो सक्सीड किया है बिपिन रावत को, इनसे पहले थे बिपिन रावत के बाद अभी प्रेजेंट में है मुकुंद नरवाने, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है एक्सरसाइज की रिगार्डिंग, एक्सरसाइज का नाम है सहयोग काइचिन।
इज अ एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज। यहाँ से एक और देखो, क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़ना है, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं। सहयोग काइजिन जो है वो एनुअली होती है, हर साल जो है वो कंडक्ट की जाती है। ये जॉइंट एक्सरसाइज है किस किस के बीच में, इंडिया के बीच में, और दूसरा कंट्री कौन सा है, दूसरा कंट्री है इसमें जल्दी से बताइए, बांग्लादेश है, चाइना है, जापान है, श्रीलंका है, ये होती है जापान के साथ। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। संयोग कायजिन एनुअल एक्सरसाइज है, जापान के साथ कंडक्ट की जाती है, और ये कब से कंडक्ट होती आ रही है, सिंस 2000 से, सिंस 2000। और अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन हुआ है वो 19th एडिशन हुआ था, या एडिशन का यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि 2000 से हो रही है, एनुअली हो रही है, अभी 2019 में लास्ट टाइम ये कंडक्ट हुई थी, तो 19th एडिशन था वो, 19th एडिशन। और इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ कंडक्ट हुई थी, तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है, ये हुई थी इंडिया के अंदर, चेन्नई में, चेन्नई इंडिया। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किए गए सबसे बड़े वायु अभ्यास का नाम क्या था, जल्दी से बताइए, बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, आर्मी के द्वारा पूछा गया है। हाँ जी जल्दी से बताइए, 67 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है हमारा विंड रेडर, विंड रेडर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। और ये कहाँ पे परफॉर्म की गई थी, ये परफॉर्म की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर। नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर। पर्पस क्या था इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का पर्पस था डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट करेगा ये क्या, ऑपरेशन रेडीनेस ऑफ पैराट्रूपर्स, ऑपरेशन रेडीनेस ऑफ पैराट्रूपर्स एंड एयर वॉरियर्स, एयर वॉरियर्स। ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, विच डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइन एंड माओ विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ भारत की कौन सी डिफेंस फोर्स ने समझौता किया है, एक माओ एग्रीमेंट साइन होता है, माओ की फुल फॉर्म है होती है यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके माओ होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जल्दी से बताइए, समझौता ज्ञापन इसको हिंदी में बोला जाता है, माओ को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझौता ज्ञापन। तो बताइए किसके साथ किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ कौन सी फोर्स ने किया है, आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो इसका सही आंसर है, ये समझौता किया गया है इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ओके इंडियन नेवी इसका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या है ये, क्यों किया गया है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, तो जल्दी से बताइए, क्योंकि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो डाटा इसके अंडर डाटा शेयर करेगा नेवी के साथ। डाटा कैसा डाटा वो शेयर करेगा, वो सी बेड सेंटिमेंट से रिगार्डिंग। ओके सी बेड सेंटिमेंट्स, सीबेड्स में जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डेटा शेयर करेगा इंडियन नेवी के साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द ट्रेनिंग टू लॉन्च द न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। ये आप सभी को पता होगा, जब ये गजनवी लॉन्च की थी ये काफी न्यूज में रही थी, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश ने की थी, तो आप सभी को आंसर पता चल गया होगा, इसका सही आंसर है पाकिस्तान। गजनवी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान ने इसको लॉन्च किया था, ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन कैरिड आउट बाय इंडियन नेवी टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द साइक्लोन अफेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ मडगास्कर। चक्रवात प्रभावित मडगास्कर की आबादी को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाए गए मिशन का नाम क्या था? उसका नाम ऑपरेशन राहत था, ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन मैत्री या फिर ऑपरेशन सहयोग। देखो जो डिफेंस है, डिफेंस के रिगार्डिंग दो दो तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, एक एक्सरसाइज वाला और दूसरा रहता है सॉरी कोई भी ऑपरेशन जहां पे इंडियन फंसे हों उनको वापस लेके आए हैं उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम क्या था, या हमने किसी कंट्री की हेल्प की है उस ऑपरेशन का नाम क्या था। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं डिफेंस के रिगार्डिंग। तो जल्दी से बताइए, आप चारों के बारे में मुझे बताएंगे, ऑपरेशन राहत के अंडर क्या हुआ था, ऑपरेशन वेनिला में क्या था, मैत्री, ऑपरेशन सहयोग। देखो या इस क्वेश्चन से ही आपके चार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो आप एक बार सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे, अगर पता है तो अभी जल्दी से मेंशन कर दीजिए। हाँ जी बताइए, अभी मडगास्कर के रिगार्डिंग आप सब आंसर करेंगे, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ऑपरेशन वेनिला। 70th का हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसिप्री, इसिप्री की फुल फॉर्म है हमारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट है, स्वीडन का है, स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो रिपोर्ट निकालता है। सॉरी, विच कंट्री इन द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स प्रोड्यूसर, कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है? ऑप्शन है आपके पास चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया या फिर यूएई। इसका सही आंसर है चाइना। चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है, इससे पहले और इसके जो मतलब फर्स्ट पोजिशन पे है वो है यूएसए। सबसे ज्यादा आम प्रोड्यूस करता है यूएसए, नंबर टू पे करता है चाइना, और सिर्फ एक ही साल के अंदर। उससे पिछली जो रिपोर्ट थी सिप्री की, प्रीवियस ईयर रिपोर्ट में जो था, चाइना सिक्स्थ पोजीशन पे था, सिक्स्थ से डायरेक्ट आ गया है सेकंड पोजीशन, अदरवाइज सेकंड पोजीशन पे था रशिया, रशिया को पीछे छोड़ते हुए चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। उससे पहले चाइना जो है वो रशिया से ज्यादा इम्पोर्ट करता था, अब वो खुद ही एक प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो बन गया है। So China is the right answer. Next question की तरफ बढ़ते हैं। In which city the Indian Coast Guard has recently commissioned a C-448 high speed boat? इंडिया की कौन सी, किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपनी C-448 नौका का संचालन शुरू किया है? कोची में, विशाखापट्टनम में, मैंगलुरु में या फिर चेन्नई में? जल्दी से बताइए 72 का सही आंसर क्या होगा। ये किया गया, ये किया गया है मैंगलुरु में। मैंगलुरु जो है वो कहाँ आता है, ये आता है कर्नाटका में। मैंगलुरु कर्नाटका, ओके। और इसका पर्पस क्या है, जो हमारी C-448 है ये बोट क्या परफॉर्म करती है, C-448 जल्दी से बताइए। इसको डिप्लॉय किया जाता है पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, फॉर पेट्रोलिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा गया है, द थर्ड डिफेंस अटैचेस कॉन्फ्रेंस 2020 वाज रिसेंटली हेल्ड इन व्हिच सिटी। तीसरा डिफेंस अटैच सम्मेलन 2020 हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया था। दिस इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 73rd का हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है संप्रीति एक्सरसाइज के बारे में। संप्रीति जो है वो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? ये है इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान। ये कौन सा एडिशन था जो अभी रिसेंटली हुआ है संप्रीति एक्सरसाइज का? ये हुआ था 9th एडिशन, संप्रीति एक्सरसाइज का 9th एडिशन हुआ है रिसेंटली। कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है या बांग्लादेश में? तो ये हुआ है इंडिया में, इंडिया में मेघालय के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? लास्ट में आपसे पूछा गया है, इंडिया रिसेंटली ऑब्जर्व मार्टियर डे ऑन 30th of January टू पे होमेज टू विच इंडियन लीडर। भारत ने हाल ही में 30 जनवरी को किस भारतीय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया? 30th January। तो ये आप सभी को पता होगा, मोस्टली 30th January को डेथ हुई थी, मार्टियर हुए थे हमारे महात्मा गांधी जी, तो उन्हीं को याद करते हुए मार्टियर डे मनाया जाता है 30th of January को। तो इसका सही आंसर होगा सी। इसके साथ साथ मार्टियर डे मनाया जाता है 23rd of March को भी। तो वो बताइए 23rd March वाला वो किसको होमेज प्रोवाइड करने के लिए, किसको याद, किसकी याद में किया जाता है 23rd March वाला? वो जो है वो होता है भगत सिंह, क्योंकि उस दिन फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। राजगुरु और सुखदेव, तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है, 23rd March और 30th of January। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉय इट।